हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको जून के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ। सब लोग डिमांड कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, तो आप लोगों को करंट अफेयर्स सेक्शन की भी वीडियोज़ जो हैं बहुत जल्दी जल्दी अब मिला करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, ठीक है। बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो, आपको विद पिक्चर्स जो है सब कुछ दिखाएंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये आज का जो है हमारा टॉपिक MCQ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से MCQs हैं भाई। चलिए पहला MCQ जो है वो पूछ रहा है हमसे, देखिए पहला MCQ कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 11 जुलाई, 1 जून, 25 मई या 10 अप्रैल, ठीक है। तो जल्दी से अपने माइंड में आंसर तुरंत बताया करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जून, ठीक है। 1 जून, 1 जून जो है वो है आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए देखिए लिखा हुआ है हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बहुत सारे देशों की सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया है कि पहली बार कब मनाया गया था, 2001 में मनाया गया था, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे प्रमोद कुमार जोगी, तो भाई छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आपका ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख भी लेते हैं। देखिए ये हैं अजीत कुमार जोगी, ठीक है, देख लीजिए इनका फेस अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए लिखा हुआ है कि वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मारवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो है नवंबर 2000 में वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक वो इस पद पर आसीन रहे थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई है। जो भी ऑब्विचुरीज होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो भाई जो मुस्तफा हुसैन थे वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, तो उनकी लैंग्वेज थी उर्दू, ठीक है। उनकी कौन सी लैंग्वेज थी भाई, उर्दू लैंग्वेज में लिखते थे मुस्तफा हुसैन, ठीक है। इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है 83 वर्ष की उम्र में। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है मुस्तफा हुसैन अपने व्यंग लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित थे। मुस्तफा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुस्तफा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। लेकिन हुआ क्या, बीच में जब आपने सुना होगा सब लोग अपने पद्मश्री पद्म विभूषण जो है त्याग रहे थे, काफ़ी सारा बीच में बवाल हुआ था, ठीक है। जो लोग भी सम्मानित लोग थे वो इसलिए त्याग रहे थे कि भारत में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, इसलिए वो लोग अपने क्या कर रहे थे, त्याग रहे थे। तो उसमें ये भी एक शामिल थे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्हें पद्मश्री से कब नवाजा गया था, हाल ही में जो है इनकी डेथ हुई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, ठीक है, BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है।
कौन से इस्लामी बल्लेबाज को नामांकित किया गया भाई? रोहित शर्मा, ऑप्शन ए जो आपका लिखा हुआ है रोहित शर्मा, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन थे आपका रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो है रोहित शर्मा। ठीक है, बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बता दूं कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया का। ठीक है, भारत का खेल जगत का सर्वोच्चतम पुरस्कार माना जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आपके मैंने कुछ अवार्ड्स लगाए हैं, कुछ पुरस्कार लगाए हैं, जिसमें से आप ये जो बीच में देख रहे हो, ठीक है, ये जो बीच में देख रहे हो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो धनुष लिए हुए जो व्यक्ति बना हुआ है ये अर्जुन बनाए गए हैं, और ये है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, ये भी आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो एक बच्चे को या आप समझ सकते हो कि युवा विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे हैं, धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे भाई? गुरु थे। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये भी आपका खेल जगत में दिया जाता है, कोच वगैरह लोगों को जो है ये दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये सब खेल जगत के पुरस्कार है। ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार, ये है अर्जुन, और ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए देख लीजिए, लिखा हुआ है बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। याद रखिएगा, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए किसको किसको किया है? ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी जो है नामांकित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा कर चुके थे, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पूछा गया है कि नवीन अध्यक्ष, नया अध्यक्ष किसको चुना गया? ऑप्शंस हैं आपके मार्कोस ट्राइजो, राहुल सचदेवा, डेविड मालपास या फिर अंशुला कांत। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, मार्कोस ट्राइजो आपका सही ऑप्शन है। इन्हीं को हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीन अध्यक्ष जो है चुना गया है। ये देखिए, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये है इसका लोगो। ठीक है, ये इसका लोगो है, और ये न्यू डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आप देख रहे हो सारे देशों के जो हैं फ्लैग्स लगे हुए, झंडे लगे हुए, तो ब्रिक्स देश जो हैं, ब्रिक्स देश, ठीक है, ब्रिक्स देश ही इसमें पार्टिसिपेट जो है करते हैं। ब्रिक्स देशों के लिए होता है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप कह सकते हो एक तरीके से ब्रिक्स देशों का ही क्या है, पूर्णतया रूप से बैंक है, तो ब्रिक्स देश इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ मार्कोस ट्राइजो के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि हाल ही में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है, और भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो उपाध्यक्ष बने हैं अनिल किशोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय यानी कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, एक फंगल पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी है उनकी बॉडी की उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी है वो है असम में। ठीक है, आपके ऑप्शन थे बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, तो आपका जो असम वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा बोडो एक जनजाति भी है और बोडो एक लैंग्वेज भी है जो इन्हीं लोगों की होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ के? असम के। ठीक है, असम में है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। चलिए ये देखिए बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का फिगर लगाया मैंने ताकि आप लोग देखो, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रहे। ठीक है, असम में है। चलिए
इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक, ठीक है, जिसे सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त किया गया है। इस सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। सुपर मशरूम को 800 सेल्सियस के तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफून पाउडर को प्राप्त किया गया, ठीक है। 800 लिखा हुआ है, ठीक है, -800 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, -800 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, -800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्वनी भाटिया जो है वो हाल ही में किस भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक बने नए। आपके ऑप्शन है PNB, IOB, SBI, CBI, ठीक है। तो SBI जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। SBI के प्रबंध निदेशक जो है अश्वनी भाटिया नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, SBI के प्रबंध निदेशक। चलिए देखिए लिखा हुआ है, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB जो लिखा हुआ है, ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की। अश्वनी भाटिया वर्तमान में SBI के उप प्रबंध निदेशक है। अश्वनी भाटिया को PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को क्या हो गए भाई, सेवानिवृत्त हो गए। चलिए ठीक है, हमें इतना याद रखना है कि अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI जो है ठीक है, और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल में ही किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है मोहन सेठी, अरुण सिंघल, राम त्यागी, विक्रम सचदेवा। तो इसके बने हैं भाई अध्यक्ष अरुण सिंघल जी, ठीक है। अरुण सिंघल को बनाया गया है हाल ही में किसका, FSSAI का कार्यकारी अधिकारी। चलिए देख लीजिए, ये है अरुण सिंघल, ठीक है, अरुण सिंघल है जिन्हें अपॉइंट किया गया है CEO किसका, FSSAI का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है। तो ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके एथलीट्स हैं वो अपना आवेदन भेज रहे हैं, नामांकन भेज रहे हैं, ताकि जो अवार्ड के लिए जो अवार्ड वो पा सकते हैं, ठीक है, उन अवार्ड के लिए वो क्या कर रहे हैं, नामांकन भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया किसके लिए भेजा है भाई, देखिए आपके ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद। तो इसमें से आपका जो अर्जुन अवार्ड है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड के लिए साक्षी मलिक जो है उन्होंने अपना आवेदन भेजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसका थोड़ा सा देख लीजिए, इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों के नाम जो है इसके लिए नॉमिनेट कर रहा है। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है, इन्होंने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था, ठीक है, एक कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और कहते हैं भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। इन्होंने इससे पहले ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सिल्वर मेडल भी जीता था, रजत पदक जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFIC ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है, ठीक है, खेल रत्न, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई विनेश फोगाट का नाम भेजा गया है खेल रत्न पुरस्कार के लिए, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार के लिए विनेश फोगाट का नाम जो है वो भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 में राष्ट्रमंडल खेल के स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। चलिए कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो केरल की पहली महिला DGP बनी है आर श्रीलेखा जी, ठीक है। आपके ऑप्शन थे आर श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी, गगन सचदेवा। तो आपका राइट ऑप्शन है आर श्रीलेखा, आर श्रीलेखा को ही चुना गया है
केरल में महिला डीजीपी के तौर पे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है आर श्रीलेखा जिनको चुना गया है, ठीक है, केरल की महिला डीजीपी। चलिए, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है विवेक लाल, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी, अजय सेठी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक लाल। विवेक लाल को नियुक्त किया गया है कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देख लीजिए इनको, ठीक है, याद रखिएगा विवेक लाल, ओके। चलिए, विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एयरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद ही दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया। विमानकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषक विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए जो है लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? 25 जून, 25 जुलाई, 19 जून, 15 अगस्त। उसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 जून। 19 जून को कराने का फैसला लिया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में 18 सीटों का चुनाव कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के चलते टाल दिया गया था। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश से, ठीक है, और गुजरात से भी 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से भी 3 सीटें, 2 सीटें झारखंड से, एक एक मणिपुर और मेघालय से हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव जो हैं वो दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो पूछ रहा है आपका, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भाई किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ये याद रखिएगा, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई? 31 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कौन चुने गए? आशुतोष टंडन, देव सिंह, आदेश गुप्ता, मंगल पांडे। भाई आदेश गुप्ता को चुना गया है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष, ठीक है। ये है भाई, देखिए, ठीक है, आदेश गुप्ता जी। तो गाइस कैसी लगी है आपको आज की मेरी ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सब आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से आपने सारे देखे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।